हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ तीर्थ सत चैनल। आई होप ऑल ऑफ विल बी हेल्दी एंड फाइन। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम की गोली कब और कैसे खाएं। आज आप जानेंगे कि आयरन सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी है और प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम की गोली गर्भावस्था के कौन से महीने से शुरू करना चाहिए, प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम की गोली एक साथ क्यों नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप आयरन की गोली लेती हैं और कुछ महिलाओं को उसमें गैस और एसिडिटी की समस्या हो जाती है तो इनसे कैसे निपटा जाए। गर्भावस्था में आयरन सप्लीमेंट्स क्यों ज़रूरी है? गर्भावस्था में आयरन की पूर्ति जो आप खाना खाते हैं उससे नहीं हो पाता है, इसलिए आयरन सप्लीमेंट देना ज़रूरी होता है। WHO के अनुसार 100 आयरन की गोलियां पूरी गर्भावस्था में दी जाती है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम की गोली गर्भावस्था के किस महीने से शुरू की जाती है। तो जनरली प्रेगनेंसी के चौथे महीने से यानी 16 वीक के प्रेगनेंसी से आयरन और कैल्शियम की गोली शुरू कर दी जाती है। पूरी गर्भावस्था में आप आयरन और कैल्शियम की गोली एक साथ नहीं लें, इसका ध्यान रखें, क्योंकि आयरन कैल्शियम के जो साल्ट होते हैं वे एक दूसरे को एब्जॉर्प्शन यानी शरीर में आपको एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करते हैं। यदि आपने आयरन की गोली सुबह ली है तो कैल्शियम की गोली दोपहर में लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आयरन की गोली कैसे लेनी है। आप कोई भी मील यानी नाश्ता सुबह का या दोपहर का खाना या रात का खाना के एक घंटा पहले आपको आयरन की गोली लेनी है। कोई भी मील के तुरंत बाद आयरन की गोली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो आप भोजन करते हैं उससे आपका आयरन का शरीर में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है। कभी कभी क्या होता है कि आयरन की गोली से कुछ गर्भवती महिलाओं में उल्टी ज़्यादा होती है या स्वाद चला जाता है, जी मचलाता है, तो ऐसे महिलाओं को आयरन की गोली लाइम जूस के साथ यानी नींबू के रस के साथ या ऑरेंज या संतरे के जूस के साथ लेना चाहिए। पहला एडवांटेज ये है कि आपका जी भी कम मचलेगा और दूसरा एडवांटेज ये है कि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तीसरी बात ये है कि आयरन की गोली खाने के बाद एक घंटे तक आपको चाय और कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने आयरन की गोली ली है तो आप ध्यान रखें कि अगले एक घंटे चाय और कॉफ़ी नहीं लें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है जो आयरन शरीर में अब्जॉर्ब नहीं करने देता है। आयरन गोली के साथ आपको सप्लीमेंट में विटामिन सी की भी टैबलेट लेनी चाहिए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी एक गोली अवश्य ही लेनी चाहिए। अगर किसी को आयरन की गोली से टेस्ट में प्रॉब्लम है तो आयरन सिरप भी ले सकते हैं, और लेकिन आप आयरन किसी भी फॉर्म में लें, टैबलेट फॉर्म में लें या सिरप फॉर्म में लें, तो इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे जीभ के कलर जो होते हैं टंग का वो चेंज हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि स्टूल का कलर भी चेंज हो जाता है। लेकिन आपको प्रेगनेंसी में आयरन की सप्लीमेंट जरूर लेनी चाहिए। आप अपने जो नॉर्मल भोजन है उस पर आयरन के लिए डिपेंड न रहें कि मुझे खाना से ही पूरे आयरन मिल जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन वाकई में अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वो जेन्युइन प्रेगनेंसी अपडेट्स। स्टे हेल्दी। बाय बाय।